फ्लेज्ड टीम्स हैं जो इस टाइम सर्कल के अंदर मौजूद हैं हालात पागल से थे, तीन ही फुल फ्रेश टीम्स मौजूद हैं सर्कल के अंदर, लेकिन लक दस टीटीके के संदेश को देखें आप, वाओ अमेजिंग वाओ, कोई और लफ्ज ही नहीं हमारे पास। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एफएस के ऊपर एक पुश एंड टीम पीटी डजंट नो, टीम पीटी को पता ही नहीं है, लक दस प्रैंक किया जाता है एफएस की तरफ से, वेक्सी इज डाउन टू 1 एचपी एंड देयर गोस द नॉक, अनदर नॉक इज द गना बी ऑन द साइड ऑफ टीम पीटी, और पीटी को यहां पर सर्व इस वक्त खुलेआम दिन दहाड़े प्रैंक किया जाता है। टीम के भी एक प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, टीम सॉलिडिटी स्पोर्ट्स का एक प्लेयर नॉक है, दो प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं, जीएम ऑन द अदर हैंड 10 किल्स स्कोर कर चुकी है अपने चारों के चारों प्लेयर्स को सर्वाइव रखते हुए। बिल्कुल सामने गीता मौजूद है, सुजन को पता ही नहीं चल रहा है, गीता यहाँ पर 1 एचपी हो चुके हैं, लकीली सर्कल रुक गया तो वो बच रहे हैं, वरना अब देखें कितना क्लोज है इस वक्त, हील भी नहीं है उनके पास, इज जस्ट वेटिंग के सामने वाले प्लेयर आके पीछे कहीं जाएं, और फिर शायद अगर कोई बैंडेजेस उनके पास है वो अप्लाई की जाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर प्लेयर के की मौजूदगी में बैंडेजेस लगाने की कोशिश की जाती है तो आवाज चली जाएगी, लेकिन टीम मिस्टी के ऊपर ये दोनों टीम्स आमने सामने आ चुकी हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कौन सी टीम यहां से सर्वाइव करके जाती है। टीम फैंटम काफी हद तक क्लोज आ चुकी है, टीम आथ्री जी के पास बिल्कुल दीवार के उस तरफ मौजूद है, बहुत अच्छा यहां पर मूव आउट किया जाता है और टैग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन शॉटगन है सामने टीम पीटी के प्लेयर के पास जिससे बचना होगा, क्योंकि शॉटगन की एक ही बुलेट आपको, ओह दैट वाज अमेजिंग, जस्ट लुक एट दैट, दैट वाज अ प्योर आईक्यू का इस्तेमाल करते हैं, उनको जब अंदाजा हुआ कि मैं प्लेयर को टैग नहीं कर सकता, स्प्लिट एक स्प्लिट सेकंड का डिसीजन था उनका, उन्होंने गैस कैन पर रजिस्टर की बुलेट्स एंड इन द एंड एक अच्छा आउटकम निकल आया।